हेलो नमस्ते जय श्री अकाल आदाब। मैं संग्राम सिंह, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आरंभ स्टडी में। तो सच का सामना सीरीज के अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी के 1500 से ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तुओं में प्रश्न चैप्टर वाइज। वी लेसन नंबर 12 है और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 10 मध्य प्रदेश जी के मध्य प्रदेश के MCQ। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आज ये चैप्टर नंबर 2 अपना खत्म होने वाला है और ये काफी बड़ा चैप्टर था जिसमें 100 क्वेश्चन थे और इसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा अगले वीडियोस में। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 91 से 100 बीच में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है मध्य प्रदेश में संभाग व जिले एक नजर में। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, आप पढ़िए, आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। इसके ये क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, वेयर इज सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। तो सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो ये मध्य प्रदेश जीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फिर से ग्रंथ अकेडमी ने रिपीट किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जबलपुर। तो हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि ये कहाँ पे क्या कैसे इसके बारे में सारा कुछ डिटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ बाजीराव पेशवा। तो बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ पर है? ऑप्शन ए चंदेरी, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन सी बुरहानपुर या फिर ऑप्शन डी मंडलेश्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महेश्वर। तो हाँ, जिन बाजीराव के बारे में आप सोच रहे हैं ये वही बाजीराव पेशवा हैं जो अपने बाजीराव मस्तानी फिल्म के थे। तो इन्हीं की डेथ हुई थी महेश्वर के आसपास, तो वहीं पे इनकी समाधि यानी छत्री बनी हुई थी, तो वहीं पे है इनका समाधि स्थल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेयर इज स्पोर्ट्स म्यूजियम एस्टेब्लिश। तो मध्य प्रदेश में खेल संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? ऑप्शन ए रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, ऑप्शन बी नेहरू स्टेडियम इंदौर, ऑप्शन सी रानी दुर्गावती स्टेडियम जबलपुर, फिर ऑप्शन डी तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल। तो भोपाल में क्या है अपना खेल संग्रहालय, तो ये आप इसमें तस्वीर देख पाएंगे। तो तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पे है? अपना भोपाल में, और यहीं पे है हमारी खेल संग्रहालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ तानसेन स्पिरिचुअल मास्टर, जो कि जिनका नाम है गौस मोहम्मद खान लोकेटेड। तो तानसेन के आध्यात्मिक गुरु गौस मोहम्मद खान का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन में है, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी ग्वालियर, फिर ऑप्शन डी दतिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्वालियर। तो ये ग्वालियर में गौस मोहम्मद का टॉम्ब है, ये तस्वीर में हम देख पाएंगे, यहीं पे है तानसेन टॉम्ब भी है इसी के आसपास ही। तो ये था गौस मोहम्मद के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फ्रॉम वेयर डिड रिलायंस इंडस्ट्रीज गेट द रिजर्व्स ऑफ कोलबेड मीथेन। कोलबेड मीथेन के भंडार रिलायंस इंडस्ट्रीज को कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए गुना, ऑप्शन बी सुहागपुर, ऑप्शन सी उमरिया, फिर ऑप्शन डी बालाघाट। तो इसका सही आंसर है बी सुहागपुर। तो आपको कोलबेड मीथेन जहां पे आए सीधे सुहागपुर शहडोल पे टिक मार देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 95। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेयर इज द ओनली टेलीकम्युनिकेशन म्यूजियम इन मध्य प्रदेश। तो म्यूजियम के बारे में कई सारे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन आया कि टेली कम्युनिकेशन म्यूजियम कहाँ पे है? ऑप्शन ए इंदौर में है, ऑप्शन बी उज्जैन में है, ऑप्शन सी भोपाल, या फिर ऑप्शन डी देवास में है टेली कम्युनिकेशन म्यूजियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भोपाल में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेयर इज द समाधि ऑफ बैजू बाबरा। तो एक और समाधि आई, बैजू बाबरा की समाधि कहाँ पे है? ऑप्शन ए चंदेरी अशोकनगर, ऑप्शन बी बुरहानपुर रकनार, ऑप्शन सी बेसनगर विदिशा, या फिर ऑप्शन डी बाबरा झाबुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंदेरी अशोक नगर। तो हम ये तस्वीर देख पाएंगे, इनका क्या संगीत से रिलेटेड कुछ था, बहुत बड़े एक संगीत सम्राट इनको नाम से जाना जाता है बैजू बावरा को, तो इनकी समाधि कहाँ पे? चंदेरी अशोक नगर में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर, भोपाल के हताई खेड़ा में स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल प्रयोगशाला ने किसका टीका विकसित किया है? तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हाई सिक्योरिटी डिजीज की एक प्रयोगशाला बनी है MP में भोपाल में, तो वहां पे कौन सा वैक्सीन डेवलप की गई है? तो ऑप्शन ए बर्ड फ्लू का टीका, ऑप्शन बी चेचक का टीका, ऑप्शन सी रिंडर पेस्ट का टीका, या फिर ऑप्शन डी हैजा का टीका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बर्ड फ्लू का टीका। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बना देता है अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेयर वॉज मोहन द फर्स्ट व्हाइट टाइगर ऑफ इंडिया फाउंड। तो भारत का पहला सफेद बाघ मोहन कहाँ पाया गया था? काफी ईजी क्वेश्चन बन जाता है जो थोड़ा बहुत भी फॉलो कर दें करेंट और अपना MPG के। तो ये कहाँ पे पहला व्हाइट टाइगर पाया गया था? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जबलपुर, या फिर ऑप्शन डी रीवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रीवा। तो ये सफेद बाघ आप देख पाएंगे, कई सारे क्वेश्चन इसमें पहले भी आ चुके हैं अपने सच का सामना सीरीज में ही, एक और क्वेश्चन एक आया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन नंबर 100 और ये इसी के साथ खत्म हो जाएगा चैप्टर नंबर 2। वेयर इज भीमबेटका केव्स इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी विश्व विरासत में शामिल भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी रायसेन, या फिर ऑप्शन डी इंदौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रायसेन। तो रायसेन में है अपनी भीमबेटका की गुफाएं, तो कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं इसको भोपाल से रिलेटेड, भले भोपाल से पास में बट कहाँ पे है? रायसेन में।
तो ये तस्वीर हम देख पाएंगे रायसेन की ही है। तो इसी के साथ खत्म होता है अपना चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 में हमने कवर किया अपने 100 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक चैप्टर नंबर 3 के लेसन नंबर 13 में शुरू करेंगे। तो इस पूरे वीडियो सीरीज में आप अंतिम तक बने रहिएगा, हम 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लेंगे पूरे के पूरे विद एन फोटो एक्सप्लेनेशन सारा कुछ ऑप्शन के साथ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, इस तरह और भी वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।